हेलो फ्रेंड्स, आज है 21 अगस्त 2018। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए विनेश फोगाट, ऑप्शन बी गीता फोगाट, ऑप्शन सी कृष्णा कुमारी और ऑप्शन डी दीपा कर्माकर। इसका सही उत्तर है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने अभी जो हाल ही में इंडोनेशिया में 18वें एशियाई खेल चल रहे हैं उसमें 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल प्रतिस्पर्धा में जापान की ईरी युकी को हराया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 24वें राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी है सचिन पायलट, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गांधी और ऑप्शन डी है प्रणब मुखर्जी। इसका सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गांधी। गोपाल कृष्ण गांधी को 24वें राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गोपाल कृष्ण गांधी महात्मा गांधी के पोते हैं और गोपाल कृष्ण गांधी पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गगनयान मिशन 2022 का नेतृत्व करने के लिए किस वैज्ञानिक को चुना गया है? ऑप्शन ए वी आर ललितांबिका, ऑप्शन बी एस क्रिस्टोफर, ऑप्शन सी के सिवान और ऑप्शन डी बी एन सुरेश। तो इसका सही उत्तर है वी आर ललितांबिका। वी आर ललितांबिका को गगनयान मिशन 2022 का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। गगनयान मिशन जो है ये अंतरिक्ष में मानव को भेजने के लिए भारत का एक महत्वपूर्ण मिशन है। अगला क्वेश्चन है, ऐसला महापराहेरा महोत्सव ये किस देश में मनाया जा रहा है? ऐसला महापराहेरा महोत्सव ये एक बौद्ध महोत्सव है, तो ये किस देश में मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी है नेपाल। इसका सही उत्तर है श्रीलंका। तो श्रीलंका में ऐसला महापराहेरा महोत्सव मनाया जा रहा है। अगर हम श्रीलंका को मैप में देखें तो ये श्रीलंका का मैप है। भारत को श्रीलंका से अलग करने की जो लाइन है वो ये है। इसे मन्नार की खाड़ी या गल्फ ऑफ मन्नार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माली देश के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? ऑप्शन ए जमीले बित्तर, ऑप्शन बी ओमार मरीको, ऑप्शन सी अमादो सनोगो और ऑप्शन डी इब्राहिम बाउबकार कीता। इसका सही उत्तर है इब्राहिम बाउबकार कीता। हाल ही में माली देश के नए राष्ट्रपति के रूप में इब्राहिम बाउबकार कीता को चुना गया है। माली का मैप ये देखिए, माली की जो राजधानी है वो बमाको है और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो चलती है वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। माली जो एक अफ्रीकन देश है और ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। अगला क्वेश्चन है, जेईई एडवांस में सुधार के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया है? ऑप्शन ए भास्कर राम मूर्ति समिति, ऑप्शन बी सुभाष गर्ग समिति, ऑप्शन सी प्रकाश जावड़ेकर समिति और ऑप्शन डी अनिल कुमार समिति। इसका सही उत्तर है भास्कर राम मूर्ति समिति। तो जेईई एडवांस के लिए सरकार ने भास्कर राम मूर्ति समिति का गठन किया गया है और ये भास्कर राम मूर्ति समिति जो है 5 सदस्यीय समिति है। अगला क्वेश्चन है, 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम क्या है? ऑप्शन ए हिंदी का बढ़ता हुआ प्रभाव, ऑप्शन बी वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति, ऑप्शन सी हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा और ऑप्शन डी हिंदी का महत्व हमारे जीवन में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ये मॉरीशस में आयोजित किया जाएगा। अब विश्व हिंदी सम्मेलन के कुछ फैक्ट्स हैं। जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है वो नागपुर में 1975 में आयोजित किया गया था और 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में 2015 में आयोजित किया गया था। 11वां जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि मॉरीशस में आयोजित किया जाएगा। ये पहली बार होगा जब भारत से बाहर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। विश्व हिंदी सम्मेलन हर 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के अध्ययन के लिए
चैंग ई फोर मिशन किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी जापान। तो चांग ई फोर मिशन जो है ये चीन का मिशन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए रोजर फेडरर, ऑप्शन बी राफेल नडाल, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविक और ऑप्शन डी एंडी मरे। तो सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट हाल ही में संपन्न हुए हैं, इसके पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविक ने जीता है, इन्होंने रोजर फेडरर को हराया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए सेरेना विलियम्स, ऑप्शन बी सिमोना हालेप, ऑप्शन सी किकी बर्टेस और ऑप्शन डी कैरोलिन वोजनियाकी। इसका सही उत्तर है किकी बर्टेस, इन्होंने सिमोना हालेप को हरा के ये खिताब जीता है। तो ये आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।